तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ री एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीडीओ री एग्जाम को लेकर। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी संबंधित कोई भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जा रही है और दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, जैसा कि आपको बताया, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ री एग्जाम का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 2018 में 1953 पद पर आपकी जो वैकेंसी वगैरह आई थी, और आपको ये पता है कि लगभग जो धांधली उस स्तर पर 2018 में हुई थी, मगर आपको बता दूं अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होगा वो पूरी तरीका से निष्पक्ष होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं, आयोग है दोबारा इस भर्ती को फंसाना नहीं चाहेगा। तो आपको बता दूं, बहुत ही निष्पक्ष तरीका से भर्ती होने वाली है, पारदर्शी तरीका से। तो अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो। मगर हम बात करने वाले हैं इसकी एग्जाम डेट को लेकर, आखिर पेपर कब तक हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है और लगातार अपनी पढ़ाई वगैरह पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आखिर पेपर होगा तो होगा कब, ठीक है। तो मगर साथियों, आपको बता दूँ जो आपके पेपर को लेकर अभी तक, जैसे कि आपने देखा होगा, जो बजट को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आयोग के पास पेपर कराने के लिए बजट नहीं है, ठीक है। अब बजट नहीं, आपको था 10 से 11 करोड़ इसके पेपर में लगने वाले हैं। तो मगर अभी तक जो बजट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पेपर में देरी हो रही है। मगर आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ की भर्ती बची हुई है जितनी पुरानी भर्तियों में, ठीक है। क्योंकि जितनी पुरानी भर्तियाँ आपने, चाहे फर्स्ट कार्ड की भर्ती देखी हो, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन और बहुत सारी भर्तियाँ, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो उनकी कहीं ना कहीं प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ रही है। मगर वीडियो के पेपर में अभी तक कुछ भी प्रोसेस आगे देखने को नहीं मिल रही है। मगर आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें लगभग जो बजट की प्रॉब्लम वगैरह है, वो लगभग आपको बता दूं बहुत जल्द कंप्लीट कर ली जाएगी, और आपके पेपर को लेकर बहुत ही गुड जो अच्छी जो संभावना जताई जा रही है कि लगभग आपका पेपर है वो मई महीने में पूरी तरीके से कराने का प्रयास किया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, क्योंकि ये आपके पास सुनहरा मौका है। और आप देख रहे होगा अभी बंदरगाह में कितनी हाई कट ऑफ चलेगी मेंस परीक्षा के लिए, और लगभग आपको बता दूँ फ्यूचर में कोई भी वीडियो री एग्जाम वीडियो की कोई भी भर्ती आती है आपको देखने को मिलती है, चाहे 1400 पद पर जो विज्ञापन हो, चाहे अन्य पद वगैरह पर हो, मगर आपको बता दूँ इतनी हाई परसेंटाइल देखने को मिलेगी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। मगर आपको बता दूं, लगभग जैसा कि आपको पता है 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है, तो जब 2018 में अभ्यर्थियों ने लगभग 9 लाख 10 हज़ार अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, तो आप समझ सकते हो कि 2023 में लगभग 5 साल हो गए, तो 2023 में कितने अभ्यर्थी पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन का स्तर, हालांकि आपको बता दूँ बच्चे कम रहेंगे, फिर भी आपको बता दूँ 1953 पद में कंपटीशन तो बना रहेगा, क्योंकि 4 से 5 लाख अभ्यर्थी पेपर देंगे तो उन्हें भी पता है अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लेखपाल की भर्ती भी फंसी हुई है और बहुत सारी जो कुछ भी है। मगर आप अपनी पढ़ाई वगैरह लगातार करते रहो, और लगभग आपको पेपर पूरी तरीके से मई महीने में पूरी संभावना है कि इसका पेपर करा लिया जाएगा। आपने देखा हो बंदरों का शॉर्टलिस्ट आएंगे, बोरिंग टेक्नीशियन, अब ज़्यादा वैकेंसी बची नहीं है, जितनी भी वैकेंसी है, और जैसे कि आप देख रहे हो फॉरेस्ट गार्ड का जो यानी कि फिजिकल डेट भी निर्धारित कर दिया, 20 मार्च से उसके स्टार्ट हो जाएंगे, तो लगभग एक वीडियो की भर्ती बचेगी, इसी का पेपर होना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, तो लगभग मई महीने मानकर अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लगातार करते रहो, और तभी आपका आसानी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 1953 सीट बहुत अच्छी है, इसमें से आप आसानी से एक सीट पक्की कर सकते हो अगर लगातार अभी भी आप पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि आपको बता दूँ मैथ वगैरह आने वाला नहीं है, हिंदी रीजनिंग जीएसई आने वाली है, तो इस हिसाब से अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई वगैरह करते रहो। और कट ऑफ वगैरह आपको बता दूँ, कट ऑफ वगैरह जो 2018 में देखने को मिली थी, लगभग उससे लगभग नेकाद अंतर पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसकी निगेटिव मार्क है, क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्क है, ठीक है। तो उस हिसाब से, तो अभी से पढ़ाई वगैरह करते रहोगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग पूरी तरीके से मई महीने मानकर अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, तो बस यही बताना था। तो आज की वीडियो में रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।